तो दावा यह कि एक्शन मोड में सरकार आ चुकी है, इसलिए नौकरी की भरमार है। एक्शन मोड में सरकार और नौकरियों की भरमार, लेकिन सवाल कई है। मसला रोजगार मेले से जुड़ा है और सियासत के खेले से जुड़ा है, सियासत का खेला। 45 शहरों में रोजगार मेले का आयोजन हुआ, कार्यक्रम एजेंसियों के माध्यम से रोजगार मेले में भर्ती का दावा हुआ। महाराष्ट्र, गुजरात, हर जगह नियुक्ति पत्र बांटे गए। अगले साल 10 लाख नौकरी देने का टारगेट रखा गया है। विपक्ष का बेरोजगारी का राग है और केंद्र का नियुक्ति का दाव है। क्या यह महज इतनी भर ही खबर है? सियासी गोल सेट करने का जिक्र किया जा रहा है, 10 लाख नौकरी का टारगेट। 10 लाख नौकरी, क्या वाकई 10 लाख नौकरी है या महज 10 लाख नौकरी है? रोजगार के मेले पर सियासत का झमेला क्या है? पहले रिपोर्ट देखिए और फिर सीधा रुख करेंगे अपने मेहमानों की तरफ और जिक्र करेंगे आंकड़ों का। इसके 45 शहरों में 71,000 से ज्यादा युवाओं को नियुक्ति पत्र दिए जा रहे हैं, यानी आज एक साथ हजारों घरों में खुशहाली के नए दौर की शुरुआत हुई। बेरोजगारी को लेकर लगातार हमलों के बीच केंद्र की मोदी सरकार ने अब रोजगार को लेकर एक्शन में आने का दावा किया है। एक महीने में दूसरी बार ऐसा है जब सरकार ने युवाओं के लिए नियुक्ति पत्र बांटने का कार्यक्रम रखा। पिछली बार आंकड़ा 75,000 था, मगर इस बार ये आंकड़ा 71,000 का है। आज देश के 45 शहरों में 71,000 से ज्यादा युवाओं को नियुक्ति पत्र दिए जा रहे हैं, यानी आज एक साथ हजारों घरों में खुशहाली के नए दौर की शुरुआत हुई है। पिछले महीने आज के ही दिन धनतेरस पर केंद्र सरकार की तरफ से 75,000 नौजवानों को नियुक्ति पत्र बांटे गए थे। अब आज का ये विशाल रोजगार मेला दिखाता है कि सरकार किस तरह गवर्नमेंट जॉब देने के लिए मिशन मोड में काम कर रही है। देश के करीब 45 शहरों में रोजगार मेले का आयोजन किया गया। अलग अलग शहरों में बकायदा केंद्रीय मंत्रियों ने खुद मोर्चा संभाला था। दिल्ली से लेकर यूपी तक मंत्री खुद इस आयोजन को ऐतिहासिक बता रहे थे। बकायदा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़ते हुए पीएम मोदी ने एक बार फिर से 10 लाख नौकरी अगले साल तक देने का टारगेट का जिक्र किया। हमारी प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम ऐसी योजनाओं की बड़ी भूमिका होगी, लेकिन इसका मुख्य आधार भारत का स्किल्ड मैन पावर, भारत का स्किल्ड युवा ही होगा। आप कल्पना कर सकते हैं, सिर्फ पीएलआई स्कीम में ही देश में 60 लाख नए रोजगार का सृजन होने की उम्मीद है। मेक इन इंडिया अभियान हो, वोकल फॉर लोकल हो, लोकल को ग्लोबल ले जाने का अभियान हो, ये सभी योजनाएं देश में रोजगार और स्वरोजगार के नए अवसर बना रही हैं। इसमें कोई दो राय नहीं, जब से मोदी सरकार बनी है तब से ही रोजगार और सरकारी नौकरी को लेकर विपक्ष ने सरकार पर बाहें चढ़ाई है।
ऐसे में अब पीएम मोदी के इस मिशन रोजगार को लेकर गुजरात चुनाव से जोड़कर भी इसे देखा जा रहा है, जिसके जरिए सरकार युवाओं को एक सियासी संदेश भी दे रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस। तो ये तो थे सरकार के दावे, धरातल पर हकीकत क्या है, क्या कहते हैं आंकड़े, क्या वाकई में जो रोजगार देना और नियुक्ति पत्र देने का दावा सरकार कर रही है, कितनी हकीकत कितना फसाना। सीधा रुख करेंगे अपने मेहमानों की तरफ, आज इसी पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ जो मेहमान जुड़ रहे हैं वो आपकी स्क्रीन पर होंगे। हमारे साथ इस वक्त देवेंद्र प्रमुख साहब जुड़ गए हैं, बीजेपी के नेता हैं, साथ ही हमारे साथ उमा सिसोदिया जी इस कार्यक्रम का हिस्सा बन चुकी हैं, जो कि आम आदमी पार्टी का चेहरा है। अमलेंद्र त्रिपाठी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, जो कि कांग्रेस का युवा चेहरा है। त्रिपाठी जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। साथ ही हमारे साथ पीयूष पंत जी इस कार्यक्रम का हिस्सा बन चुके हैं, जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं और अपनी बेबाक राय के लिए जाने जाते हैं। तो सबसे पहले मैं इस चर्चा की शुरुआत त्रिपाठी जी आपके साथ करना चाहूंगा। मेरा ऑडियो आ रहा है त्रिपाठी जी? जी आ रहा है। त्रिपाठी जी आपका फ्रेम फ्रीज है, मैं शुरुआत आप ही से करता हूं। मैं सबसे पहले जो है एक ट्वीट दिखाना चाहूंगा, और वो ट्वीट है कांग्रेस के अध्यक्ष खड़गे साहब का, और मैं अपने सहयोगी से चाहूंगा जरा प्लीज अगर हम वो ट्वीट दिखा पाए। ये ट्वीट, वोटरों को बरगलाने के लिए आज पीएम मोदी 71,000 नौकरी पत्र बांट रहे हैं, नौकरी पत्र बांट रहे हैं। सरकार में 30,00,000 पद खाली पड़े हैं, ये ऊंट के मुंह में जूरा चीरा है, लबो लबाब मैं बता रहा हूं। और सालाना 2,00,00,000 नौकरी देने का वादा किया गया था, 8 साल में नौकरी देनी थी 16,00,00,000, चुनावी स्टंट केवल हजारों में। यह ट्वीट है खड़गे साहब का, स्क्रीन पर ले आइए सर सबको। प्रमुख साहब ट्वीट देखा खड़गे साहब का, चुनावी स्टंट है ना, लोकतंत्र में सबको अपनी बात कहने का अधिकार है, सिर्फ जी कोई भी बोल सकता है। तो विपक्ष झूठ बोल रहा है क्या? विपक्ष को सच बोलने का टाइम ही कहां है? आप बोल दीजिए सच। सच कभी प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत होती नहीं, सच दिखता है बोलता नहीं है, दिख रहा है आपके बीच में। सर मैं वही देख रहा था, 71,000 नौकरी, ये वाकई 71,000 नौकरियां हैं या महज 71,000 नौकरियां? आपने देखा है कि जिस स्थिति से निकल कर आ रहे हैं और धीरे धीरे से सारी चीज को लड़ा गया है, 71,000 नौकरी कोई छोटी बात नहीं है, ये कोई वो नहीं हो सकता। इस पर विपक्ष का जो काम था वो करना चाहिए था, लेकिन विपक्ष का ये भी काम है कि किसी भी तरीके से सरकार के अगेंस्ट जाकर कोई ना कोई ऐसी चीज करनी है कि जिससे जो है लोगों को बदलाया जा सके। 71,000 नौकरी कोई छोटी चीज नहीं है, शुरुआत जब से हो जाए, 3 साल का खाना काल अभी जिसको कर आ रहा पूरा विश्व के आप स्थिति देख रहे हैं, उसके बाद भी हम कोशिश कर रहे हैं, हमारी जीडीपी से लेकर सारी अर्थव्यवस्था से लेकर सारी चीज ठीक दिशा में चल रही है, इससे अच्छा सरकार का और कुछ हो नहीं सकता। तो आप ये मानते हैं कि 71,000 नौकरी और इससे पहले 75,000 नौकरी, ये आपने हफ्ते में 2 बार नौकरी देने का प्रयास किया, आप ये कह रहे हैं है ना, और विपक्ष टांग खिंचाई कर रहा है। मैं आंकड़ों पर आऊं, लेकिन उससे पहले त्रिपाठी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। त्रिपाठी जी बिल्कुल देखिए, सवाल ले लीजिए सर, सवाल ले लीजिए। अक्सर मैं एक बात कहता हूं, इस बात को लेकर प्रमुख साहब भी नाराज हो जाते थे, जब ये लोगों को पकड़ पकड़ के नौकरी दे रहे हैं तो आप इतना नाराज क्यों हो रहे हैं? नहीं बिल्कुल, इनको बोलने में हाथ पग लगता होगा कि भारत में पिछले 70 वर्ष में वर्तमान में सबसे अधिक बेरोजगारी दर है। अभी आपने एक एग्जाम हुआ पेट का, ताजा ताजा उदाहरण है, आप देख लीजिए कितने बच्चों ने एग्जाम दिया, कितनी अव्यवस्थाएं थी। तो वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी की नीति और चाल चलन साफ है, ये लोगों को रोजगार देना नहीं चाहते हैं, इनके लिए जाति और धर्म के नाम पे लोगों को लड़ाते हैं। आप आंकड़े उठा देख लीजिए, ऐसा कोई विभाग नहीं होगा जिसमें भर्तियां ना हो, चाहे आप रेलवे। सर मैं आंकड़ों के साथ ही बात करने का आदी हूं, मैं आंकड़ों के साथ ही बात करूंगा, लेकिन मैं आपसे पूछ रहा हूं कि आपको ये क्यों लग रहा है कि ये मसला सियासी है, और अगर सियासी है तो इतिहास के पन्नों को उठाइए, इसी सियासी
अध्याय को आप लोगों ने भी लिखा और राज्यवार लिखा। मैं आपको राज्य के साथ बता सकता हूं, आपने दावे किए लेकिन दावों पर खरा नहीं उतरे। नहीं बिल्कुल, देखिए आपकी बात से मैं सहमत हूँ, हो सकता है थोड़ा बहुत रह गया फर्क, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के आप आगे उठाएंगे देखिए, वर्तमान में जो केंद्र सरकार आई थी 2014 में 2 करोड़ नौकरियां प्रत्येक वर्ष बोल के लेके आए, लेकिन उनको अभी 8 वर्ष होने वाले हैं लगभग, कि अभी टोटल 2 करोड़ नौकरियां दी होंगी त्रिपाठी जी, शायद ही नहीं। त्रिपाठी जी मैं अभी इस कहानी का पटाक्षेप कर दूंगा, मैं आपके सामने मैं अपनी गुजारिश पर मैं प्रमुख साहब से कह दूंगा कि अगर माफी भी मांगनी पड़े तो वो मांग लेंगे मेरे कहने पर। सिर्फ एक उत्तर दे दीजिए, एक उत्तर दे दीजिए, झारखंड में ना 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 आंकड़ों के साथ बात करिएगा, आंकड़ों के साथ अगर आप कह रहे तो मैं आंकड़ों के साथ ही बात करूंगा आपके साथ। जी जी जी, झारखंड में हेमंत सरकार ने कहा कि 5 लाख रोजगार वरना राजनीति से संन्यास, ले लिया क्या? और 5 लाख रोजगार दे दिए तो मैं यहां से शारीरिक रूप से माफी मांगूंगा, दिए क्या आपने? नहीं दिए ना। छत्तीसगढ़ आपने कहा कि बेरोजगारों को भत्ता देंगे, बेरोजगारों को नौकरी देंगे, कितने बेरोजगारों को आपने नौकरी दी? आप मुझे आंकड़ा दे सकते हैं? बिहार में यह दावा किया गया कि मैं सरकार में आऊंगा, यही बात बोली थी तेजस्वी यादव ने, पहली कलम से, कैबिनेट की पहली कलम से 10 लाख नौकरी दूंगा, कितनों को नौकरी दी? समर्थन तो वहां भी आपका। आखिरकार मसला यहां पर अगर राज्यों की, केंद्र की जिम्मेदारी है तो क्या राज्यों की जिम्मेदारी नहीं है? आप मुझे एक राज्य बताइए जहां पर आपने नजीर पेश की हो। नहीं बिल्कुल, देखिए कांग्रेस शासित जितने भी राज्य हैं अभी वर्तमान में उसकी गठबंधन की सरकार है, उन्होंने अधिकतम रोजगार देने की कोशिश की और दिए भी है, इस चीज को झुकाया नहीं सकता। सर राजस्थान में बेरोजगारी दर कितनी है? राजस्थान की बेरोजगारी दर कितनी है? नहीं अभी आप उठा देंगे, सर्वप्रथम जो बेरोजगार राज्य है वो किस सरकार का है? सर जनता पार्टी के राज्य का है। तो मतलब महाराज्य आपको दिखाई दे रहा है लेकिन अपना राज्य नहीं दिखाई दे रहा, आप केंद्र से हिसाब मांग रहे हैं लेकिन अपना हिसाब नहीं देंगे आप? नहीं बिल्कुल, केंद्र हमारा मुखिया है, हमारा हक है उससे हिसाब लेने का। सर बिल्कुल लीजिए, लेकिन आप एक प्रमाण तो दीजिए, आप कहिए ना इसी मॉडल पे चलिए, मैं तो गुजरात मॉडल के भी सवाल पूछूंगा आपके सामने, लेकिन आपने कितना रोजगार दिया सवाल ये भी है ना। नहीं देखिए कांग्रेस सरकार ने राजस्थान में अपना राज्य के लिए चाहे रेट की भर्तियां हों, अभी पीसीएस की जो राजस्थान पीछे उसकी भर्तियां निकाली गई, उसके अलावा जो उनके अधिकतम प्रयास किए जा रहे हैं। त्रिपाठी जी, जो त्रिपाठी जी मैं नारे नहीं सुनता हूं कार्यक्रम में, मैं आपसे एक मेरे कार्यक्रम में एक सुविधा उपलब्ध है, उसका नाम है फोनो फ्रेंड। अगर आप चाहें तो कांग्रेस कार्यालय में फोन करके बताइए कि कहां कहां हमने कितना रोजगार दिया, और फिर अगर आपके दावों में दम हुआ तो मैं फिर कह रहा हूं कि मैं सार्वजनिक रूप से माफी मांगूंगा और प्रमुख साहब से भी कहूंगा कि आप त्रिपाठी जी से माफी मांगिए। नहीं चलिए, कबूल है सर, नहीं आप मिलाइए फोन, मेरे को कोई आपत्ति नहीं है, बहुत ही दुखद विषय है और गैर राजनीतिक विषय है। नहीं नहीं मैं राजनीति नहीं करूंगा, अगर आपको ये लग रहा है कि मैं राजनीति कर रहा हूं या मेरा राजनीतिक सवाल है, मेरा मसला कांग्रेस आम आदमी पार्टी और बीजेपी नहीं है, मेरा मसला सीधे तौर पर रोजगार और नौकरी है। जी। हर चैनल के अपने एक एजेंडे होते होंगे, मैं मानता हूं इस बात को, बिजली पानी सड़क शिक्षा दवाई पढ़ाई कमाई और रोजगार, ये हमारा एजेंडा है, ये हमारा एजेंडा है। हम जाति और धर्म पर कोई बहस और चर्चा नहीं करते हैं, हम इसी मुद्दे पर चर्चा करते हैं, मैं इसलिए यह बात कह रहा हूं। त्रिपाठी जी, जी नहीं देखिए अभी राजस्थान में अभी आंकड़े खोल के बैठा हूं, बिल्कुल अभी जो सीईटी हुआ राजस्थान में करवाया, राजस्थान सरकार ने सारी छात्रों को सुविधाएं दी, अभी ग्राम विकास अधिकारी की जो वैकेंसी निकाली गई है लगभग फायर रेंज की 700 वैकेंसी राजस्थान सरकार द्वारा निकाली गई है। सर ऐसी वैकेंसी जो है अभी आंकड़ा मैं आपके सामने रखूंगा, आप कहेंगे कि हाँ बिल्कुल सही बोल रहे हो, अभी वैकेंसी भी बताऊंगा। खैर लेकिन उमा जी आप किस नजरिए से देखते हैं ये जो लोगों को पकड़ पकड़ कर सरकार रोजगार दे रही है, आप लोग सवाल उठा रहे हैं सरकार पर, क्यों मैं जान सकता हूँ? देखिए हर चीज को इवेंट बना देना, हर चीज पे प्रधानमंत्री जी और दूसरे जो तमाम नेता हैं वो सियासत करते हैं, तो एक तरीके से मैं समझती हूँ कि हमारे देश के बेरोजगारों का मजाक है। आपने कहा कि हम 2 करोड़ रोजगार देंगे और उसके बाद आप कहते हैं कि पकौड़े बेचना भी एक रोजगार है। देखिए जो भी व्यक्ति पैदा होगा वो कुछ ना कुछ तो अपना पेट भरने के लिए काम करेगा ही करेगा, वो भी रोजगार है, कुछ ना कुछ तो करेगा ही हर 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 समय। तो मैं भी इस बात को मानती हूँ कि सरकार हर हर व्यक्ति को नौकरी नहीं दे सकती, हर एक को सरकारी नौकरियां नहीं मिल सकती, मैं इस बात को समझती हूँ, लेकिन कम से कम सरकार को उस तरह की नीतियां तो जरूर बनानी चाहिए जिससे कि हमारे
बच्चों को जो है वो अपना रोजगार सृजित कर पाए, अपने आप काम कर पाए। यहाँ तो दिक्कत ये है कि जो योजनाएं बनती हैं वो सारी सिर्फ कागजों पर होती हैं। अगर मैं उत्तराखंड की बात करूं तो यहाँ पर सरकार ने कई योजनाएं बनाई हुई हैं। मेरा कोई सिर्फ उत्तराखंड को लेकर इंटरेस्ट नहीं है, मेरा इंटरेस्ट दिल्ली को लेकर भी है, पंजाब को लेकर भी है। अगर मेरा इंटरेस्ट झारखंड, छत्तीसगढ़ और राजस्थान को लेकर है तो मेरा इंटरेस्ट दिल्ली और पंजाब को लेकर भी है। प्लीज कंटिन्यू। मैं बिल्कुल आपकी बात से पूरी तरह से सहमत हूँ और मैं तो इसमें देखिए, मैं इसमें आम आदमी पार्टी से भी कहूंगी, लोगों ने भरोसा करके हमारी सरकार चुनी होती है, चाहे वो आम आदमी पार्टी की सरकार हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो। और हमारे रहनुमाओं को ये बात जरूर सोचनी चाहिए कि बेरोजगारी और जो युवा है वो बड़े उम्मीद के साथ सरकार की तरफ देखते हैं कि हमारी पढ़ाई पूरी होने के बाद हमें सरकार की तरफ से वो हेल्प मिलेगी कि हम अपना कुछ। मैडम, आपके पास दिल्ली का आंकड़ा है केजरीवाल सरकार ने कितनी नौकरियां दी? देखिए मेरे पास इस समय कोई आंकड़ा नहीं है, पंजाब का आंकड़ा है मैडम, लेकिन मुझे दिल्ली सरकार की एक बात जो है वो बहुत अच्छी लगती है और मैं आपके चैनल के माध्यम से उसको जरूर कहना चाहूंगी। नवीं क्लास के बच्चे को दिल्ली के सरकारी स्कूलों में सरकार की तरफ से 2,000 रुपए मिलते हैं, जिससे और उनको 3 महीने का टाइम दिया जाता है कि आप उन 2,000 रुपए से कुछ ना कुछ बिजनेस कीजिए इसको, और उसको अपने एक्सपीरियंस लिख के लाने होते हैं बच्चों की, आपने 2,000 रुपए से आपने क्या काम किया। बच्चों आप मुफ्त की रेवड़ी बांटने से अच्छा ये है, बुरा लगेगा आपको, बुरा लगेगा, स्वास्थ्य शिक्षा ये फ्री कर दीजिए तो कभी मुफ्त की रेवड़ी बांटने की नौबत नहीं आएगी। ये दोनों मुफ्त कर दीजिए, मैं बिल्कुल पूर्णता मुफ्त कर दीजिए। स्वास्थ्य और शिक्षा हमारे जो जो गरीब लोग हैं, मैं कहूँगा गरीब क्या और अमीर क्या, जो हाँ। अगर एक बार घर में कोई बीमार हो जाता है और उसके बाद ठीक, लेकिन यानी यही है ना कि आपको केंद्र से हिसाब तो चाहिए लेकिन राज्यों का हिसाब नहीं देंगे आप, विषय यही है। देखिए बिल्कुल राज्यों का हिसाब भी देना चाहिए, मैंने अभी आपके चैनल में बोला है कि चाहे आम आदमी पार्टी हो, कांग्रेस हो, बीजेपी हो, सरकारें बड़ी उम्मीद के साथ चुनी जाती हैं, जनता से जो वादे किए गए हैं उन पर खड़ा उतरना हमारे रहनुमाओं का। मैं अभी आंकड़े भी दिखाऊंगा लेकिन उससे पहले पीयूष सर, ओके, जो भी वादा किया है पूरा कीजिए। पीयूष जी, ये रोजगार का मसला है, हम इसको राजनीति के नजरिए से क्यों देखते हैं? और अगर वाकई में राजनीतिक नजरिए से रोजगार का मुद्दा उठना जरूरी है तो मुझे ये लगता है कि प्राथमिकता के आधार पर सारे मुद्दे गौण हो जाने चाहिए और सिर्फ रोजगार के एजेंडे पर ही चुनाव ना हो, बल्कि रोजगार के एजेंडे पर सरकार ने क्या काम किया एक शपथ पत्र कोर्ट में भी दाखिल कर दे कि नहीं। तिलक जी, नहीं बिल्कुल सही आप कह रहे हैं, लेकिन तिलक जी आपने जो कहा कि राजनीति क्यों होती, देखिए अगर प्रधानमंत्री जो है चुनाव के आसपास प्रधानमंत्री खुद जो है कि अपॉइंटमेंट लेटर अगर देता है तो ये राजनीति है, शुद्ध राजनीति होती है, हो रही है यहाँ पे। क्योंकि देखिए प्रधानमंत्री के पास इतना फुर्सत नहीं ना, प्रधानमंत्री को ये देना है कि वो अपॉइंटमेंट लेटर देगा। अपॉइंटमेंट लेटर जो है वो एक प्रक्रिया है जो कॉरपोरेशन जो है, जो कंपनी है वो देती है या फिर सरकारी विभाग देता है। प्रधानमंत्री का इस तरह से जो है कि अपॉइंटमेंट देना सीधे जो है वो एक जो है राजनीतिक क्रिया है, वो एक पॉलिटिकल एक्शन है, ये मैं कहूंगा और डंडे की चोट पे कहूंगा। और क्योंकि देखिए, और दूसरी बात ये कि जो रोजगार मेला है ना, इसमें एक धोखा भी है। प्रधानमंत्री ने जिसको दिए लेटर, ऐसा लगा कि सरकारी नौकरियों का उन्होंने लेटर दे दिए, लेकिन ये मेले जो लगते हैं वो सरकारी नौकरियों के नहीं लगते हैं। सरकारी नौकरियों का जो वादा किया था सरकार ने, वहां पे तो एक भी मतलब नौकरी का बिल्कुल टोटा पड़ा हुआ है, वहां कहीं से किसी को नौकरी नहीं मिल रही सरकारी नौकरी। ये प्राइवेट सेक्टर की नौकरियां हैं जो रोजगार मेले के माध्यम से, जो इनका जो एनएसजीसी जो है, एनएसजीसी लगवाता है, हर राज्य में इस तरह का लगवाता है, कैंप लगवाता है, जहाँ प्राइवेट सेक्टर के जो एम्प्लॉयर्स हैं वो आते हैं और वो जो वहां पे जो एम्प्लॉयमेंट सीकर हैं वो उनके सामने होते हैं। तो और उसमें भी ज्यादातर जो ये होती हैं नौकरियां हैं वो ग्रेजुएशन लेवल तक की ही नौकरियां हैं, कोई बहुत हाई स्किल या जो है कि आपकी समझ लीजिए कि बहुत मैनेजमेंट या इधर या उधर कहीं कोई नहीं है, छोटे छोटे जो नौकरियां उसकी होती है ये। तो ये साफ साफ मुझे लगता है, मुझे बड़ा हास्यास्पद लगता है, प्रधानमंत्री एक अपॉइंटमेंट लेटर बांटा है जो कि एक एम्प्लॉयमेंट ब्यूरो देता है या जो कंपनियों के जो आपका क्या नाम एचआर डिपार्टमेंट होता है वो देता है, और यहाँ प्रधानमंत्री जैसा बड़ा आदमी, इतना मतलब इस देश का प्रधानमंत्री, वो अगर जो है पहले अपने हाथ से और बाद में ऑनलाइन जो है
जो है वो अगर ये अपॉइंटमेंट लेटर दे रहा है तो सीधे सीधे बड़ा खासा इसमें तो लग ही रहा है, साथ साथ सीधे सीधे राजनीति हो रही है। और प्रधानमंत्री मोदी जी की खास आदत है कि वो हर चीज को जो है उसमें एक राजनीति अपना करने लगते हैं और ये साफ साफ दिखाई दे रहा है। क्योंकि देखिए रोजगार वहां क्रिएट हो नहीं रहे हैं सरकारी। और दूसरी बात और मजेदार देखिए आप तिलक जी, अब सरकारें ये भी कहने लगी, और खासकर इसमें मैं बात करूंगा आम आदमी पार्टी की, जो ये कहती है कि साहब अब कहने लगी अब सरकार की सफलताएं हैं कि रोजगार नहीं पैदा कर रही है, तो कहने लगती है कि साहब आप जो है कि रोजगार लेने वाला नहीं रोजगार देने वाला बनिए। ये एक एक जो है नई जो है चीज शुरू हो गई है। क्योंकि हर व्यक्ति जो है कि वो रोजगार नहीं दे सकता, वो एक एंटरप्रेन्योर नहीं बन सकता। और नौवीं क्लास में अगर आप दे रहे हैं आशास्पद है, उस आदमी को शिक्षित होने से भी वंचित कर रहे हैं और उसको उसके उसको उसको डाइवर्जन अलग कर रहे हैं उसको। क्योंकि एक एक उम्र होती है आप जो है एक स्किल आप एक्वायर कर लेते हैं उसके बाद आप उसमें जाते हैं। तो ये जिम्मेदारी से भागने वाली बात है, सरकारी नौकरियां नहीं देने वाली बात है, उससे उसकी जिम्मेदारी से भागने वाली बात है जहां सरकारें इस तरह की बातें करती है। ठीक, बिल्कुल वैलिड, बिल्कुल वैलिड सवाल उठाया आपने। अब मैं कुछ आंकड़ों का जिक्र करूंगा, उमा जी आऊंगा आपके पास, लेकिन प्रमुख साहब मैंने सबकी प्रतिक्रिया ली, शुरू करें सर। सर शुरू करें जी। मैं फिर से चाहूंगा अपने सहयोगी से, जरा खड़गे साहब का ट्वीट एक बार फिर से प्ले करिए जरा। ये ट्वीट जिसका जिक्र हम कर रहे थे, बंपर नौकरी सरकार दे रही है लेकिन सरकार की नियत पर शक विपक्ष को है। कहा जा रहा है कि वोट के नजरिए से जनता को बरगलाने के लिए 71,000 नौकरियों का तोहफा देने का जिक्र सरकार कर रही है, लेकिन यह ऊंट के मुंह में जीरा है। ठीक, यह ट्वीट जरा देश की जनता भी देख ले, यह ट्वीट क्यों जरूरी है, अब मैं उस पर आता हूं। प्रमुख साहब, इन आंकड़ों की बाजेगरी में हकीकत क्या है उसको समझना भी बहुत जरूरी है। तो देश के सामने नौकरी को लेकर एक एक करके मैं कुछ आंकड़े रखूंगा, अपने सहयोगी से चाहूंगा जरा पहला आंकड़ा प्ले करिए। यह पहला आंकड़ा है हमारे देश में कहां कितने पद खाली हैं। आईएएस आईपीएस का जिक्र करूं तो 2300 पद, रेलवे में लगभग 300,000 पद खाली पड़े हुए हैं, गृह मंत्रालय का अगर मैं जिक्र करूं तो गृह मंत्रालय में 1,43,000 पद खाली पड़े हुए हैं। वहीं दूसरी तरफ रक्षा मंत्रालय का मैं जिक्र करूं तो लगभग 2,500,000 पद खाली पड़े हुए हैं और डाक विभाग में 90,000 पद खाली पड़े हुए हैं। कुल मिलाकर केंद्र में 10,00,000 पद खाली पड़े हुए हैं। प्लीज स्क्रीन पर सर, यहां तो आप 71,000 और 75,000 नौकरी का जिक्र कर रहे हैं, केंद्र में ही 10,00,000 पद खाली पड़े हुए हैं। प्रमुख साहब, यह आंकड़ा सही है या झूठ? उठाकर लगभग अब से 30 साल पहला रिकॉर्ड उठाकर देखिए, जैसे भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई इस आंकड़े को भरने का काम किया गया है। ये जो खाली पड़ा हुआ सिस्टम था इसको धीरे धीरे लाइन पर लाने का काम किया गया। 8 साल में आप 10,00,000 पद नहीं भर पाए। तिलक जी, इस 8 साल में जो आप कीमती समय, हमने लगभग 3.5 वर्ष का समय ऐसा खोया है कि आ सके आज इस पर डिबेट नहीं होती है, नौकरी देने की नहीं लोगों की। सर कोरोना काल में ही जिसका जिक्र आप कर रहे हैं, कोरोना काल में चुनाव हुए सर, तो लोगों को रोजगार नौकरी क्यों नहीं? चुनाव भी हुआ, सारे काम भी हुए, लोगों को दवाई दी गई। सर फौज की भर्ती नहीं हुई आपने 3 साल में? फौज की भर्ती नहीं हुई 3 साल में? फौज की भर्ती नहीं हुई सर, मैं झूठ तो नहीं बोल रहा? वो सारे सबसे ज्यादा रोजगार तो वहाँ भी मिलता है किरण जी, वो सारे काम किए गए थे। लेकिन ये कोई भारत की बात नहीं है, पूरे दुनिया की बात है, विश्व के पटन पर दुनिया हिली थी। मैं फिर आपको दोहराना, एक छोटा सा मैथमेटिक है जिसका मैं आगे जिक्र करूंगा, लेकिन उससे पहले एक और आंकड़ा मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। जो ये कुल आंकड़ों का हम जिक्र कर रहे हैं कि केंद्र में आखिरकार कितने विभाग कितने पद हैं और दूसरे पद में कहां कहां कितने नौकरियां हैं, मैं उसका जिक्र तो कर रहा था, लेकिन उदाहरण के तौर पर मैं चाहूंगा जरा एक और आंकड़ा है, प्लीज अपने सहयोगी से उसे भी जरा प्ले करिए। यह आंकड़ा देखिएगा प्रमुख साहब और सभी देखिएगा,
कुल मिलाकर पद हैं केंद्र में 41 लाख, भरे हुए 31 लाख और 10 लाख पद खाली पड़े हैं। 10 लाख पद केंद्र में खाली पड़े हैं इस हिसाब से। प्रमुख साहब, एक बात मुझे ये समझाइएगा और देश को भी समझाइएगा, जब आपने एक महीने में लगभग 1.5 लाख नौकरी देने का जिक्र किया, नियुक्ति पत्र दो बार हुआ ना सर एक महीने में, और लगभग पहले 71,000 और फिर दूसरी बार 75,000, मैं तो कह रहा हूं लगभग 1.5 लाख हो गई नौकरी आपके हिसाब से। एक महीने में जब 1.5 लाख नौकरी आप दे सकते हैं तो फिर 8 साल में आपने कितनी नौकरी दी? जब 1 साल में आप 10 लाख नौकरी देने का वादा कर सकते हैं, उदाहरण के तौर पर देश के प्रधानमंत्री ने कहा कि 1.5 साल में 10 लाख नौकरी, तो फिर आप 8 साल में 80 लाख लोगों को रोजगार दे सकते थे, तो आपने क्यों नहीं दिया? तिलक जी देखिए, 80 साल में वही बात आती है घूमकर, आपका क्वेश्चन भी वहीं आगा घूमकर और जवाब भी वहीं आता है कि कई चीज आपने देखा है कि जो हमें समय के अनुसार करना पड़ा था, जहां हमारे हाथ में नहीं थी कुछ चीजें। और रही बात ये कि आपने ये जिक्र किया कि मैनोफेस्टो को लेकर या जो घोषणा पत्र थे चुनावों में, हर पार्टी का आपने अलग अलग किया, मुझे बताने की जरूरत नहीं, आपने कांग्रेस से पूछ लिया, आम आदमी पार्टी से पूछ लिया, भारतीय जनता पार्टी का घोषणा पत्र भी जहां जहां हमने जिक्र किया था और उत्तर प्रदेश से लेकर जिन जिन प्रदेशों में सरकार से पहले घोषणा पत्र की जो बात हुई थी उस पर प्रयास किया कि हमने ज्यादातर घोषणाएं पूरी की। लेकिन सर, सवाल नंबर नहीं, सर 2 करोड़ रोजगार का आपने जिक्र किया, आप कह रहे हैं हमने पूरा किया? मैं आ रहा हूँ तिलक जी अपनी बात पर, मैंने अभी ये बात पूरी नहीं की। हो सकता है कि कुछ परसेंट अभी आपको कम लग रहा है, उस परसेंटेज को हम पूरा करने का पूरा प्रयास करेंगे। कई चीज ऐसी नहीं थी जो हमारे हाथ से अलग थी, पूरी दुनिया ही दी है, हम भी हैं, हम पर भी। सर आप बार बार कोरोना का जिक्र कर रहे हैं, मेरा एक छोटा सा सवाल था, मेरे सवाल को एक बार फिर से प्रमुख साहब, मुझे मालूम है कि आप सवाल को घुमाते नहीं है। जब आपने एक महीने में लगभग 1.5 लाख नौकरी दी है जैसा आप दावा कर रहे हैं, इस एक महीने में दूसरी बार नियुक्ति पत्र बांटे हैं, पहली बार 71 और 75, कुल मिलाकर लगभग 1.5 लाख हो गए, तो फिर 8 साल में आपने कितने दिए? जब आप 1 साल में 10 लाख नौकरी देने का वादा कर सकते हैं तो फिर 8 साल में इस हिसाब से 80 लाख रोजगार हुए, मैं 2 करोड़ का जिक्र नहीं कर रहा, तो आपने कितने दिए? अगर ये वाकई में चुनावी मौसम को देखते हुए आपने नियुक्ति पत्र नहीं बांटे तो कितनी दे? ये चीज अब आपके मुंह से क्लियर होगी, अभी इस पर मैं भी बच रहा था, आपने चुनावी मुद्दा ये आ ही गया निकलकर। जी ठीक है, आपने चुनाव का जिक्र किया है। नहीं नहीं, मैंने नहीं किया, पीयूष सर ने भी किया, उन्होंने भी यही कहा। पीयूष सर ने भी, मैं भी वही आना चाहता था, मुझे पता है कि मुझे लास्ट में आकर इसी क्वेश्चन पर निष्कर्ष देना पड़ेगा, क्योंकि ये आ ही गया चुनाव का ही घूम फिर के लास्ट में आना था यही। और चुनाव की बात मैं क्लियर करता हूँ, देखिए आप मुझे 2 मिनट में जो है चुनाव पर इस पर बात करूंगा। आपने कहा कि हमने ये 1.5 महीने में कोशिश की है, 2 महीने में कोशिश की है, तिलक जी पहले तो मैं क्लियर करता हूँ कि ये इतनी जो नौकरी है इनकी व्यवस्था करने के लिए कई चीज से हम लड़ते हुए रहे, आज तक भी हम पूरी तरह उसको कवर नहीं कर पाए हैं, इस चीज का मैं बार बार जिक्र करता हूँ। तीसरी बात ये है कि चुनाव तो अभी कहीं भी नहीं है, गुजरात और 2 प्रदेशों के चुनाव, तो चुनाव असली परीक्षा हमारे सर पर खड़ी है 2024 का। आप क्या कह रहे हैं, नियुक्ति पत्र देना सियासी संदेश नहीं जाएगा इससे? पूरा कर दें, इससे सियासी संदेश नहीं जाएगा गुजरात में? नहीं, सियासी संदेश गुजरात तो देखिए आप, सियासी संदेश गुजरात, तिलक जी गुजरात में कहां लड़ाई है, आपके चैनल से लेकर कहीं की बात कर लीजिए, कहां गुजरात में कौन खड़ा, केजरीवाल और कांग्रेस की सर 30-30 रैलियां देश के प्रधानमंत्री कर रहे हैं, 30-30 रैलियां देश के प्रधानमंत्री कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि लड़ाई नहीं है? मैं उस विषय में जा ही नहीं रहा, मैं नौकरी पर ही हूँ, मैं नौकरी पर हूँ सर, आप नौकरी पर जवाब दीजिए। देश के प्रधानमंत्री की एक आदत है कि 24 आवर्स में से वो लगभग 18 घंटे काम करते हैं। और सर मैंने प्रचार की बात नहीं की, मैंने रोजगार की बात की, आप कह रहे हैं 18 घंटे देश के प्रधानमंत्री काम करते हैं, मैं उस पर सवाल नहीं उठा रहा, मैं ये कह रहा हूँ कि आप 8 साल में 80 लाख रोजगार दे सकते थे, क्यों नहीं दिया इस हिसाब से? तिलक जी मैं उसको जवाब देना चाहता हूँ, वो क्वेश्चन बड़ा शानदार है जो आपने काम किया, उसमें पंत सर ने भी कहा, पीयूष सर ने भी कहा था कि उसमें जो है वो चुनावी वजह से, इसलिए आपने कहा कि चुनावी, मैं चुनाव की बात नहीं कर रहा, आज 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 गाजियाबाद में माननीय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, कल गुजरात में थे,
परसों पता चला उससे पहले हिमाचल प्रदेश में थे। ये तो लोग हैं, ये तो काम करने की एक पृष्ठभूमि ऐसी तैयार हुई राजनीति में कि इन लोगों ने काम सर मैं प्रचार का जिक्र नहीं कर रहा, आप मुझे प्रचार पर जिक्र कर रहे हैं, मैं रोजगार पर जिक्र कर रहा हूँ। आप बार बार मुझे प्रचार के बारे में बता रहे हैं, जो आप सर कहीं भी प्रचार करिए मुझे क्या दिक्कत, मैं रोजगार की बात कर रहा हूँ सर। देश का मुख्यमंत्री बन गया, जो एक बार प्रदेश में या किसी कैबिनेट में मंत्री बन गया, वो 5 साल ऐसी छोड़ने को तैयार नहीं होता। आज जाकर वो भटक भटक कर जनता के बीच पर काम करने के लिए खड़ा है, पूछता है। प्रमुख साहब मैं भी वही पूछ रहा हूँ आपसे, अब की बार ट्रंप सरकार, मैं आपसे वो नहीं पूछ रहा, मैं आपसे रोजगार के बारे में पूछ रहा हूँ। तिलक सर एक मुख्यमंत्री एक जिले में एक 6 महीने के अंदर अंदर तीसरी बार घूम जाता, 75 जिलों में 3-3 बार जाकर घूमकर, जो कि 5 साल एक मुख्यमंत्री की हिम्मत। सर मैं रोजगार की बात कर रहा हूँ, आप भ्रमण की बात कर रहे हैं। भ्रमण में ही रोजगार है, भ्रमण में ही रोजगार है, ही रोजगार है। आप मेरी बात को समझिए सर, भ्रमण में ही रोजगार है, ये हवाई भ्रमण नहीं है, ये बड़े रोजगार निकाल कर लाते हैं। भ्रमण एक भ्रमण 75,000 रोजगार निकाल दिया, दूसरे भ्रमण में आपने 70-75,000, अभी तीसरे भ्रमण में 20,000 मैं बताता हूँ 10 लाख कैसे पूरी होंगी। अच्छा मतलब भ्रमण करेंगे तो रोजगार मिलेंगे। एक ब्रेक ले रहा हूँ, ब्रेक के उस पार इसी पर आऊंगा। त्रिपाठी जी आपके पास, उमा जी आपके पास और पीयूष जी आपके पास, मसला रोजगार मेले का है और सियासत के खेले और झमेले का है। एक ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के उस पार आंकड़ों का ही जिक्र करेंगे। तो रोजगार मेला सियासत का खेला, ब्रेक से पहले आंकड़ों का जिक्र हमने किया और सीधा रुक कर अपने मेहमानों की तरफ। त्रिपाठी जी ब्रेक से पहले तमाम सवाल हमने सत्ता पक्ष से पूछे, जवाब तो आपको भी देना चाहिए कि नहीं। देखिए भारतीय जनता पार्टी इस देश के केंद्र में सरकार है और इसका राज्य में सरकार है, प्रथम जवाबदेही इनकी है। मैं भारतीय जनता के पार्टी के साथ ही प्रवक्ता से एक खुला चैलेंज दे रहा हूँ कि 5 ऐसे विभाग आप बता दीजिए जहाँ पर इन्होंने पूर्ण रूप से भर्ती की हो, या 5 ऐसी भर्तियां बता दीजिए जो इनकी विवादों में ना रही हो। और रही बात कांग्रेस शासित राज्य की, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि अभी कहाँ कितनी भर्ती हुई है, तो वो उसके आंकड़े राजस्थान की बात कर रहा हूँ कि 2019 में पटवारी जो भर्ती परीक्षा उसके 4,207 पद की हुई है, ग्राम विकास अधिकारी के लगभग 6,000 पदों पे हुई है, पुस्तकालय ग्रेड 3 के लगभग 1,336 पदों पे भर्ती हुई है, पीआरओ एपीआरओ पैरामेडिकल कैडर और जो कनिष्ठ वैज्ञानिक सहायक है लगभग उनके 28 पदों पे, ऐसे कुल मिला के लगभग 1 लाख के ऊपर अधिक जो अलग अलग पद उन पर भर्तियां हुई है। अब आते हैं भारतीय जनता पार्टी की बात, अभी हमारे साथी ने बहुत अच्छी बातें कही कि मोदी जी के भ्रमण से प्रचार 18 घंटे काम करते हैं, वाकई में 18 घंटे क्या काम करते हैं, जनता भी सार्वजनिक करना चाहिए। एक एक दिन में 3 रैलियां करते हैं, भारत सरकार के प्रधानमंत्री है, भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री है के मुख्यमंत्री है, एक संवैधानिक पद पे बैठे हुए क्या 18 घंटे में 16 घंटे किसी पार्टी के लिए काम करना चाहिए? प्रमुख साहब वो घूमते जरूर है, मैं मानता हूँ हर प्रदेश में जा रहे, लेकिन सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का प्रचार करते हैं। अगर कुछ समय रह गया तो सरकारी कंपनियां उनको बेचने का कार्य करते हैं। जो भारतीय जनता पार्टी केंद्र में है उनका एक ही उद्देश्य है, सरकारी नौकरियां तो बहुत दूर की बात है, जो सरकारी नौकरियां देने वाले उपक्रम है जैसे रेलवे हो गया, LIC हो गया, बैंक हो गया, उनको तो बेचा जा रहा है, नौकरियां कहां से केंद्र में दे पाएंगे? ये कांग्रेस की कोई भी सरकार किसी भी प्रदेश की सरकार रही हो उसने हमेशा लोगों के हित के सोचा है। अभी इन्हीं की सरकार का एक आंकड़ा आया था कि सबसे अधिक बेरोजगारी इस सरकार में है। यही एक रास्ता आपके मैंने बच्चों का लेकर जो आपका चुनावी घोषणा पत्र था वो ही पूरा हुआ आपका? बिल्कुल, आपने घोषणा पत्र की बात की, उत्तर प्रदेश का जहाँ भी आप कितने आम भर्तियां हुई, आप गुजरात का उठा देख लीजिए जो पिछले चुनाव में 2017 में कितने वादे किए और कितनी भर्तियां हुई अभी तक पूरा किया जी। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि आपके जो तीनों प्रदेशों की सरकार है उसमें कितना परसेंट आपका घोषणा पत्र एक बार चेक कर लीजिए निकालकर, आप निकाल रहे तुरंत? नहीं बिल्कुल, मैंने अभी आपको बताया राजस्थान के आंकड़े लेके बैठा हूं सर। एक मिनट कितनी बचियां हुई, किसके कितने घोषणा पत्र में वादे पूरे हुए, ये विषय नहीं है। एक मिनट त्रिपाठी जी एक मिनट मसला भर्तियों का ही है। जब चुनाव के वक्त वादे किए जा सकते हैं तो चुनाव के बाद वो वादे पूरे क्यों नहीं किए जा सकते? आप लोग घोषणा पत्र बनाते हैं, दृष्टि पत्र बनाते हैं, विजन डॉक्यूमेंट बनाते हैं, हर किसी के अपने अपने वचन पत्र होते हैं, लेकिन कोर्ट में जाकर उसे कोई दाखिल नहीं करता एफिडेविट पर कि भैया अगर हमने पूरा ना किया तो हमारे ऊपर मुकदमा कर देना, हमारे संगठन के मुखिया पर।
फोटो सबको खिंचवानी है, लेकिन एफिडेविट कोर्ट में जाकर कोई नहीं दाखिल करता है ना, तो इसलिए घोषणा पत्र की बात यहीं रहने दीजिए। खैर उमा जी, सरकार सारा विपक्ष जैसे आज की तारीख में एक जगह इकट्ठा है, तो एक सुप्रीम कोर्ट में एक रिट डालनी चाहिए इनकी तरफ से कि घोषणा पत्र जो भी पार्टी दे, क्योंकि हमारी तो जिम्मेदारी है, हम तो ज्यादा गिरेंगे सारे प्रदेशों में, उसे पूरा करे। भारतीय जनता पार्टी आगे भी आ रही है, इसलिए अभी उसको भेजने का सर सर न, आप तो दुनिया का सबसे बड़ा संगठन होने का दावा करते हैं ना, तो नजीर पेश कर दीजिएगा आप, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है सर, नजीर पेश करिए आप। एक मिनट, समूचा कहाँ पे है? एक मिनट त्रिपाठी जी, जो इस सरकार के खिलाफ लड़ रहा हो, त्रिपाठी जी, युवाओं की, छात्रों की, महंगाई पे बात कर रहा हो, त्रिपाठी जी, सरकार की सबसे बड़ी दो विफलताएं हैं, एक तो महंगाई, दूसरी बेरोजगारी। आप बात तो घुमाइए, आपके दो सवाल के सीधे प्रश्न किए, पहला पांच विभाग, सिर्फ आप पांच विभाग बता दीजिए जिनमें पूरी भर्ती की गई है। शानदार स्थिति में भारत है, सबसे शानदार कंट्रोल महंगाई विश्व के स्तर की बात कर रहा हूँ, पूरे विश्व का उठाकर देख लीजिए, विकसित कंट्रियों में भी भारत ने शानदार तरीके से अपने आप को संभाले हुए है। बिल्कुल वो इसलिए, एक मिनट उमा जी मैं पीयूसी के पास जाऊं, एक मिनट प्लीज, त्रिपाठी जी हो गया, एक मिनट रुकिए ना त्रिपाठी जी। उमा जी, सरकार अगर नौकरी दे तब सवाल, ना दे तब सवाल, वो ये कह रहे हैं कि चुनाव के मौसम को देखकर नहीं दिया गया है, पहले से तैयारी की गई थी, गुजरात का चुनाव आया, इसमें कौन सी नई बात है, चुनाव तो आते जाते रहते हैं, नौकरी दी वो इम्पोर्टेंट है, जवाब दीजिए। देखिए जिस तरीके से देश के प्रधानमंत्री नौकरी बांट के इसको पूरे उसको जो इवेंट की तरह प्रस्तुत किया गया, वो मुझे लगता है बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। देश के प्रधानमंत्री नौकरी पत्र ना बांटे, वो नीतियां बनाए जिससे कि जो हमारे देश के युवा हैं वो नौकरी हासिल कर पाए या अपना स्वरोजगार कर पाए। ये नीति बनाना हमारे देश के प्रधानमंत्री और हमारी कैबिनेट का काम है, विधानसभाओं का काम है, संसद का काम है। इस तरह की मतलब जो ये जो जिस तरह से इवेंट में आज मोदी जी गए हैं, मुझे ये हरकत जो है उनके व्यक्तित्व और उनके जो पद है उसके अनुरूप मेरे को बिल्कुल नहीं लगी। ये काम एक देश के प्रधानमंत्री का नहीं हो सकता कि वो इस तरह से 70-71 हजार नौकरियों को, वो भी 140 करोड़ की। त्रिपाठी जी एक मिनट, त्रिपाठी जी ये चुनावी रैली नहीं है ना आपकी, आपके बीच में कोई नहीं बोला, प्लीज त्रिपाठी जी का ऑडियो नीचे, उमा जी अपनी बात कंप्लीट करेंगे पहले। जी, मेरे भाई यहाँ पर एक बात और कह रहे थे कि दिल्ली सरकार ने 9वीं क्लास के बच्चों को 2000 रुपए देकर उनको एंटरप्रेन्योर बनने की एक ट्रेनिंग या उनको जो काम करने का जो तरीका है वो बताने की कोशिश की। देखिए मैं इसमें कहना चाहूंगी कि पूरा यूरोप और पूरा अमेरिका, वहां पर बच्चा जब 5 साल का होता है तो उसको घर के बाहर एक दुकान सजाकर दी जाती है जिसमें वो बच्चा उन चीजों को बेचने की कोशिश करता है अपने माता पिता के दोस्तों के सामने, और बाकायदा एक बढ़िया इवेंट होता है, इसमें सारे फ्रेंड सर्किल आते हैं, उस बच्चे से वो खरीद कर लेकर जाते हैं। 5 साल के बच्चे के साथ ये इवेंट वहां पर बड़े मतलब एक फेस्टिवल के रूप में मनाया जाता है, और उसके बाद वहां के लोग अपने बच्चों को कोशिश करते हैं कि वो घर से बाहर निकले और अड़ोस पड़ोस में छोटे छोटे काम करके पैसा कमाने की कोशिश करें। इस तरह का कल्चर वहां पर है, और हम ये नहीं कह सकते कि वो देश विकसित नहीं है या वहां पर देशों में ठीक है बेरोजगारी की स्थिति वहां पर भी होगी, लेकिन वहां के बच्चों को जन्म से ही काम करना, पैसा कमाना, और जो एक शर्म होती है ना कि हम एक बड़े घर के लोग हैं। मैंने तो यहां तक भी सुना कि जब बिल क्लिंटन भारतीय प्रधानमंत्री सॉरी राष्ट्रपति थे तब उनकी बेटी चेल्सी चौराहे पर खड़े होकर अखबार बेचा करती थी। ये कल्चर जिस देश का हो उस देश की प्रगति को हम रोक नहीं सकते। ऐसे में अगर दिल्ली सरकार कोशिश कर रही है कि 9वीं क्लास के बच्चों को कुछ फंड देकर उनको कुछ कमाने के लिए उनको दिमाग खोले जाए कि भाई जाओ बच्चों 2000 आपको जल्दी से, प्रमुख साहब जल्दी से, फिर मैं पीयूष सर को पूरा टाइम दूंगा, जल्दी से प्रमुख साहब उठाने की कोशिश कर रहे हैं कि वो रोजगार सृजित करें, वो रोजगार देने वाले बने। शानदार बात है कि बिल क्लिंटन की बेटी जिस तरह से अखबार बेचती थी, आज इस देश के प्रधानमंत्री का परिवार, उनकी माँ जो है उनकी जन्मदायिनी 10x10 के कमरे में रहकर अपना गुजारा कर रही है, और भाई जो है रद्दी और सब्जी का जो काम करते थे वो करते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की जो बहन है वो फूल बेचती थी, उसका जो परिवार है वो लगभग 50 गज के मकान में आज भी पहाड़ी एरिया में अपना पालन पोषण कर रहा है। ये मिसाल है, इसको भी स्वीकार करें आप, ये आपके देश से निकली है, ये दुनिया को मिसाल दे रही है। आप अपनी राजनीति को थोड़ी देर के लिए छोड़कर सच्चाई को स्वीकार करें। बिल क्लिंटन के साथ साथ भारत के प्रधानमंत्री की और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की तारीफ करना भी आपका काम है। उमा जी
देखिए जिस तरीके से बंधु ने ये बात बोली है, मैं इस बात को स्वीकार करती हूँ। अगर आप ईमानदारी से कोई, जैसे उनके भाई हैं, मैंने तो इस कल्चर को कांग्रेस में सबसे ज्यादा देखा है कि एक व्यक्ति अगर कुछ बन गया तो भाई भतीजावाद इतना ज्यादा हो जाता है जिसकी कोई हद नहीं है। लेकिन मोदी जी का भाई भतीजावाद जो है वो अडानी और अंबानी के लिए है, इस बात को भी बीजेपी को स्वीकार करना पड़ेगा। आज उनके हम दो, हमारे दो जो उन्होंने पाले हुए हैं पूरे देश में, अडानी और अंबानी हर चीज, हर नीति सब अडानी और अंबानी के हिसाब से बनता है। आप इस बात पर भी जवाब दीजिए। अडानी जी आपको चुनाव में धन देते हैं, उसके बदले हमारे देश के प्रधानमंत्री सिर्फ अडानी और अंबानी के हिसाब से नीतियां बनाते हैं। आप उस बात पर भी जवाब दीजिए। पूरी दुनिया में मोदी जी कहीं भी जाते हैं, अडानी अंबानी के जो उनके जो एग्जीक्यूटिव है उनकी कंपनी के, हमेशा उनके साथ जाते हैं, हमेशा उनके वहाँ पर काम किया जाता है। देश के पोर्ट आप लोगों ने अडानी अंबानी को भेज दिए, देश के जो हमारे हवाई अड्डे हैं वो आपने इन लोगों को बेच दिए। एक तरफ आप बात करते हैं अपने घर की गरीबी और ईमानदारी की, ठीक है मैं मान लेते हैं इस बात को, मैं इस बात को डिनाई नहीं कर रही हूँ। अगर आपको उनकी बहन अगर 10x10 के कमरे में रहती है तो ये अच्छी बात है, मैं इसको स्वीकार करती हूँ। लेकिन जिस तरीके से पूरे देश को कुछ पूंजीपतियों के हाथ में बेचा जा रहा है, उसका जवाब भी बीजेपी सरकार को देना पड़ेगा कि ऐसे क्या साठगांठ हमारे देश के प्रधानमंत्री की इन दो तीन घरानों के साथ है कि पूरे देश को आपने इन लोगों के हाथों में जीते रख दिया। अडानी जी के जीवन पर प्रधानमंत्री विज्ञापन करते हैं, आपको शर्म नहीं आती है? एक प्राइवेट सेक्टर के हमारे प्रधानमंत्री विज्ञापन करते हैं, गिनती के ही 4-5 लोग है जो उनके आप रिश्तेदार भी कह लो, दोस्त भी कह लो, वही जो डिसीजन करते। कुमार विश्वास जैसे, प्रशांत भूषण जैसे लोगों को धक्का मारकर निकाल देना या कोई पार्टी का जवाब मांग ले उनको निकाल देना, ये भी कल्चर आप लोगों का है? नहीं नहीं, अब रुक जाइए, एक मिनट प्लीज प्रमुख साहब, एक मिनट प्लीज। हर पार्टी का अपना एक कल्चर होता है कि किसको किस पार्टी में किस पद पर रखना है, किस पद पर। ओके उमा जी, कोई दिक्कत नहीं आपकी पार्टी में कल्चर। एक मिनट प्लीज। भारतीय जनता पार्टी करे तो महाभारत, इतना ही फर्क है आपकी सोच में। प्रमुख साहब रुक जाइए, एक मिनट प्रमुख साहब। या रामायण का कल्चर हम लोगों ने दोबारा शुरू किया, आप सिर्फ देखिए उसको, देखते रहिए। एक मिनट, एक सर, कौन से कल्चर की बात हो रही है? मंत्री जो है जेल में चंपी का आनंद ले रहे हैं, वो भी रेपिस्ट के हाथों हैं, मालिश हो रही है, तेल मालिश। रुक जाइए एक मिनट, कौन कौन से कल्चर की बात करेंगे आप लोग? रुक जाइए एक मिनट, जो आरोप है गुस्सा मत होइएगा उमा जी, एक मिनट। पीयूष जी, सर ये सियासी के नजरिए से हम क्यों देखें हर बात को? वो कह रहे हैं कि रोजगार विषय तो रोजगार है ना, आप सियासत के चश्मे से क्यों देखते हैं हर रोजगार मेले को? नहीं देखिए तिलक जी, इसको सियासी नजरिए से नहीं देखा जाना चाहिए, मेरा भी ये मानना है। देखिए, और वो तभी होगा जब आप निरंतर जो है रोजगार पैदा करते हैं और नौकरियां दे रहे हैं, और प्रधानमंत्री आके जो है कि वो अपॉइंटमेंट लेटर नहीं दे रहा है। अगर वो देगा तो निश्चित रूप से राजनीतिक चश्मे से देखा जाएगा, क्योंकि प्रधानमंत्री का ये मतलब उसकी जिम्मेदारी नहीं है। प्रधानमंत्री बहुत बड़ा व्यक्ति है, उसके पास देश की बहुत ज्यादा जिम्मेदारियां हैं, वो उसको अपॉइंटमेंट लेटर बांटने की उसका काम नहीं है, ये विभागों का काम है। और यहाँ पे तो सरकारी नौकरियां भी नहीं है, ये सबसे बड़ा तो धोखा ये हो रहा है कि प्रधानमंत्री के हाथ से जो अगर अपॉइंटमेंट लेटर दिए जा रहे हैं तो एक इम्प्रेशन बन रहा है। प्रमुख साहब, ये सरकारी नौकरी है कि नहीं? पीयूष जी पूछ रहे हैं। नहीं है सरकारी नौकरियां, क्योंकि जो ये मेले रोजगार मेले के थ्रू आ रही नौकरियां वो सारी प्राइवेट इंटरप्राइजेस के थ्रू आती है, जो मेरा लगता है उसमें सरकारी इंटरप्राइजेस नहीं होते। ये आप जो है कि आप जो है NSGC के वेबसाइट पे चले जाइए और वहाँ देख लीजिए, हर स्टेट में जो है वहाँ पे ये मेले लगाए जाते हैं जिसमें प्राइवेट इंटरप्राइजेस आते हैं। तो ये धोखा हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि सरकार रोजगार दे रही है, सरकार नहीं दे रही है। सरकार एक माध्यम बनी है, सरकार मंत्रालय है, वो एक माध्यम बना इस तरह के मेला लगाने का जहाँ प्राइवेट जो है इंटरप्राइजेस के द्वारा जो है ये रोजगार दे रहा है। और अगर प्रधानमंत्री चूंकि दे रहा है अपने हाथ से, तिलक जी मैं कह रहा हूँ, मैं तो ये राजनीति का हूँ। पीयूष जी एक वरिष्ठ हमारे विश्लेषक के तौर पर मिलते हैं और हमारी अच्छी मित्रता भी है और नमस्ते भी बहुत अच्छी है आपस में। अगर इन्हें लगता है कि कहीं शक है तो आपके माध्यम से या कहीं भी किसी भी जांच एजेंसी को और किसी भी कोर्ट को ऐसी लिखी जा सकती है कि यहाँ धोखा हो रहा है और इसका दूध का दूध पानी का पानी हो, RTI के माध्यम से आप मांग लीजिए। बेशक माननीय प्रधानमंत्री जी का है, आपको जवाब मिले। नहीं नहीं देखिए, धोखा मैं ये कह रहा हूँ, धोखा ये हो रहा है कि लोगों को ऐसा लग रहा है इस पर बोलूंगा नहीं देखिए, एक बात स्पष्ट कर दूं, धोखा मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि नौकरियां नहीं दी जा रही है,
मैं ये कह रहा हूँ कि धोखा इस तरह का हो रहा है कि लोगों को लग रहा है कि प्रधानमंत्री क्योंकि दे रहे हैं अपॉइंटमेंट लेटर तो ये सरकारी नौकरियां होंगी, लेकिन वास्तव में सरकारी नौकरियां बोल रहे थे उसी आप बैठकर देश के प्रधानमंत्री पर उंगली उठा देना इतना आसान काम नहीं है। नहीं मैं उंगली नहीं उठा रहा हूँ, उंगली नहीं उठा रहा हूँ, भी राजनीति लगती है जो राजनीति जो बचाने के लिए तैयार नहीं होती। मैं पीयूष सर ये कह रहा हूँ कि हमारी बहन ने एक ना एक वर्ड बोला था तो पार्टी कुछ नहीं कर पाई, कोई चीज गरिमा में रहकर अगर सच हो तो बोलो। अब देश के प्रधानमंत्री पर उंगली उठाने से पहले वो भी जिम्मेदार व्यक्ति जिम्मेदार कहकर तो कहीं गला नहीं करता, कभी कभार लोग सुनते हैं, किसी की छवि जब खराब करनी चाहिए जब कोई दम हो आपके पास। पीयूष जी जी नहीं देखिए ये कतई जो है किसी की छवि खराब या प्रधानमंत्री की छवि खराब करने की बात मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि एक हमारे देश में आप देखिए खासकर ये चल गया है कि आप कुछ और करते हैं और कुछ और चीज का इम्प्रेशन देते हैं। यहाँ पे ये इम्प्रेशन मिल रहा है कि साहब प्राइवेट नौकरी दी जा रही है, लोगों को लग रहा है कि प्रधानमंत्री दे रहे हैं तो ये जो है कि निश्चित रूप से सरकारी नौकरियां होंगी, क्योंकि ये स्पष्टता किसी में नहीं है अभी। ये तो जिनको मिल रहा है आप जांच करिए तो पता लगेगा, जिसके तहत ये रोजगार मेले लग रहे हैं वो एक सरकारी मंत्रालय की एजेंसी है जो प्राइवेट इंटरप्राइजेस के ये मेले लगाती है वहां पे मिलती है। तो मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि ऐसा आभास हो रहा है, ऐसा आभास शायद प्रमुख जी को भी होगा हुआ होगा कि ये सरकारी नौकरियां दी जा रही हैं, लेकिन ये वास्तविकता नहीं है। मैं सिर्फ इसी की बात कर रहा हूँ, ना तो मेरा कोई इस तरह का इंटेंशन है कि प्रधानमंत्री का आरोप लगाऊं या उनके लिए। जल्दी से प्रमुख साहब त्रिपाठी जी आपके पास आ रहा हूँ। लेकिन ये जो लेटर या ज्वाइनिंग दी जाती है जो योग्यता के अनुसार वो शिक्षित वर्ग है, शिक्षित युवा है, उनको सब पता है कौन सी नौकरी उनको दी गई है, कौन सी नौकरी उनको मिली है और कितने प्रयास से मिली और सरकारी है प्राइवेट है उनके मतलब की है या नहीं है, उनका रोजगार है या नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। इस तरीके से भ्रमित करने से कुछ होने वाला नहीं है। ये नौकरी पाने करने वाले का पूरा अधिकार है, तो उनको धोखा दिया गया। तो मैं फिर कहता हूँ, मैं साफ बोलता हूँ हमेशा, अगर मेरी पार्टी गलत करती है तो आप में दम होना चाहिए। कोर्ट माननीय सुप्रीम कोर्ट देश का जो कानून व्यवस्था लॉ है संविधान है वो पक्ष और विपक्ष के लिए बराबर है। सरकार के कई लोग जेल चले जाते हैं, सरकार के एमएलए की एक मिनट में सदस्यता चली गई एक लेटर की वजह से। मैं तो सोचता हूँ कि जो बोले वो दम के साथ बोले। प्रमुख साहब, प्रमुख साहब, प्रमुख साहब, प्रमुख साहब, ओके प्रमुख साहब, सबके नाम पता फोन नंबर जो है जैसे वो नंबर चल रहे थे ना 75,000 71,000 वैसे सबका नाम अपलोड करवा दीजिए ताकि उमा जी भी देख पाए, पीयूष जी भी देख पाए और त्रिपाठी जी भी देख पाए और हम जैसे पत्रकार जिनको सिर्फ रोजगार के एजेंडे के सिवा कोई और एजेंडा दिखाई नहीं देता वो लाइव में बैठकर उन नंबरों को फोन खटखटाएं कि रोजगार मिला कि नहीं मिला, है ना। एक मिनट त्रिपाठी जी, जी अब मेरी आवाज आ रही है जी त्रिपाठी जी, मसला रोजगार को लेकर है जी। नहीं बिल्कुल अभी वही मैं सी पा रहा हूँ, एक मिनट मेरी हाँ प्लीज जल्दी से। मैं शुरुआत में दो सवाल पूछे थे कि कोई खाली 5 विभाग बता दीजिए जिनमें भर्तियां हुई हो, नहीं बता पाए। ये भी पूछा था कि कोई ऐसा जो भारतीय 16 घंटे 18 घंटे काम करते हैं माननीय मोदी जी क्या काम करते हैं। नहीं एक मिनट मैं कंप्लीट करूँ फिर आप बोलिएगा ना, मैं कंप्लीट कर लूँ। कौन क्या बोल रहा है ये कुछ मिनट बोलने के लिए मिलते हैं आपको जो तथ्य ले रहे तथ्य हम रोज हमारे हाथों पर रहते हैं, हम तथ्य देने लगे आप मान लोगे क्या। लोगों को नौकरी दी है यार, देश की सीमा सुरक्षित की है, लोगों के सैनिकों के सर कटने बंद करे हैं, कई लगभग 40,000 करोड़ जो देश की 40 करोड़ जो देश की सीमा किलोमीटर चाइना से लेकर सर पर दिए बैठा था वो सर रोके हैं, क्या क्या आपके तरफ हमने रोके हैं या सैनिकों के सर कट कर। नहीं एक मिनट अब मैं बोल लूं, आपका हो गया तो मैं अपनी बात रखूं। नहीं आपने सीमा की बता दी, अच्छी बात है आपने बता दिया कि मोदी जी चाय बेचते थे, योगी जी की बहन पहाड़ों में, इनका परिवार पहाड़ों में रहता है, अच्छी बात है मान लिया। ये भी एक लोकतंत्र की खूबसूरती है जिसे नेहरू जी ने दिया कि आज एक भारत का एक चाय बेचने वाला एक मामूली आदमी देश का सर्वोच्च प्रधानमंत्री बन जाता है तो बहुत अच्छी गर्व की बात है, इसका भी गर्व करना चाहिए। लेकिन आज आप विषय से भटक रहे हैं, वो एक महंगाई, आप विषय से भटक रहे हैं प्लीज। त्रिपाठी जी और सॉरी बेरोजगारी था तो बेरोजगारी पे कितनी बात थी, महंगाई और बेरोजगारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में
दोनों भाई हैं, इनका बस एक ही उद्देश्य है कि कैसे संपत्तियां अंबानी और अडानी को बेची जाए। त्रिपाठी जी, त्रिपाठी जी, अगर वाकई ये चुनावी नजरिए से है तो 2019 का चुनाव भी आपने महंगाई, भ्रष्टाचार और बेरोजगारी पर लड़ा था, 2022 का चुनाव भी आपने इसी पर लड़ा था, है ना जी। और हर राज्य में जाकर यही तीन मुद्दे आपके अहम होते हैं, लेकिन फिर भी जनता बीजेपी को वोट क्यों देती है? नहीं बिल्कुल, देखिए धर्म और जात के नाम पे सरकार कुछ साल तक बनाई जा सकती है, बिल्कुल मानता हूँ। कांग्रेस को लोगों ने लंबे अरसे तक चुना, कांग्रेस सरकार लगभग 52-55 साल रही। तो आपने जात और धर्म पर सियासत की थी क्या? लेकिन ये कुछ नया लेके आए, लोगों को जाने के नाम पे, धर्म के नाम पे लेके आए, लोगों को तोड़ने का कार्य किया, उनसे एक बार जुड़ गए लोग। लेकिन अभी आने वाले चुनाव में आप देख लीजिएगा, हिमाचल का चुनाव है, कैसे वहाँ के जो ब्यूरोक्रेट्स थे भाजपा के सरकार में वहाँ पे कार्य कर रहे थे, अपना ट्रांसफर ले रहे हैं, हिमाचल में कैसे इनके दर्जनों विधायकों की टिकट काटी गई, इसमें कई मंत्री भी शामिल थे, पूर्व मंत्री थे सर। टिकट के अंदर एक मिनट, विषय रोजगार, ना पॉलिटिकल, मेरा इंटरेस्ट बिल्कुल नहीं है, इनकी नीतियां वैसी है, पॉलिटिकल बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है, मैं उसी विषय पर हूँ। मैं पॉलिटिकल नहीं बता रहा हूँ, अभी उन्होंने देश के सैनिकों की बात की, मोदी जी के परिवार की बात की, यहाँ पे इस चीजों की बहस का मतलब नहीं था, बात थी महंगाई की, बात थी बेरोजगारी की। हाँ तो मैं उसी पर हूँ, एक मिनट रुकिए प्रमुख साहब, एक मिनट, देश को एक और आंकड़ा भी जानना चाहिए, उस आंकड़े में कितनी सच्चाई है कितनी नहीं वो भी बताइएगा, एक आंकड़ा और भी है, क्योंकि मेरा काम तो आंकड़ों है, ये पूरा दिन आंकड़े आंकड़े आंकड़े। आंकड़ा बता दूं, 20 से 35 वर्ष के लगभग 40% युवा बेरोजगार है सर, आप बेरोजगारी 8% पहुंचने वाली है सर। एक मिनट, आने वाले समय में कितनी भयावह स्थिति होगी। एक मिनट, ठीक, आपकी आप ही का सवाल लेकर जा रहा हूं सर, वक्त कम है, एक मिनट मैं कुछ, क्योंकि आपने कहा कि हमने लोगों को पकड़ पकड़ कर रोजगार दिया और विकास की गंगा बह रही है गंगोत्री से लेकर कन्याकुमारी तक। इसी के सर जी, एक सेकंड, अब मैं एक और आंकड़ा जिक्र करता हूं, अखबार की कटिंग है और उसका उसकी सच्चाई क्या है वो भी बताइएगा, मैं अपने सहयोगी से चाहूंगा जरा वो अखबार की कटिंग प्ले करिएगा जी। हर चार में से एक भारतीय गरीब है, जब इतना विकास हो रहा है तो ऐसा क्यों? अभी और बढ़ रहे हैं, ये अखबारों की कटिंग्स है। 2020 तक भारत 38 करोड़ गरीब थे, 80% लोग गांव में रहते हैं, और इसमें भी जो तस्वीर है उसका भी हम जिक्र कर रहे हैं, इसमें भी एसटी कैटेगरी के हैं, एससी के 21% ओबीसी हैं। तो ये आंकड़ा बताता है कि अभी भी हालात देश में ठीक नहीं है। अब मेरा एक सवाल और है इसी आंकड़ों के आधार पर, प्रमुख साहब आपने कहा कि हम रोजगार दे रहे हैं, 22 करोड़ लोगों ने आपकी सरकार में नौकरी के लिए अप्लाई किया और महज 7 लाख लोगों को रोजगार मिला, 45 करोड़ लोग बेरोजगारी होने का दावा किया गया, ये जो अखबारों की सुर्खियां बता रही हैं, क्या ये सच है या झूठ? तिलक जी, सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि अखबार हो या जिस तरीके की कोई न्यूज हो, अगर उसके आंकड़े की बात करें तो इनमें सरकार के फेवर में भी बहुत चीजें छपती है, वो उसका उस पर कभी डिबेट हो तो कुछ और भी जाए उनको भी स्वीकार करें। देश की अर्थव्यवस्था को लेकर, देश की सीमाओं को लेकर, देश के आयात और निर्यात को लेकर, देश के पायदान को लेकर कि आज कौन से नंबर पर कहां खड़ा है, देश के सम्मान को लेकर, देश की जो स्थिति है सर, आपकी सरकार में, आपकी सरकार में प्रमुख साहब, आपकी सरकार में 10 लाख करोड़ का कर्ज राइट ऑफ हो गया, क्यों? अगर विकास की बात है, जिन उद्योगपतियों का आपने कर्ज राइट ऑफ किया उनका नाम सार्वजनिक क्यों नहीं करते आप? आखिर एनपीए में 365% का उछाल कैसे आ गया? मैं ये कहता हूँ तिलक जी, उद्योगपतियों की बात जो है उतनी चाहिए, उद्योगपति की बात जो उठाना चाहे उसका स्वागत है, लेकिन उद्योगपति जो अडानी की बात करते हैं, आप अंबानी की बात करते हो या और किसी की भी बात करते हो, नीरव की बात करते हो, ये सब कांग्रेस के टाइम के पारे हुए उद्योगपति हैं, कोई 8 साल में नहीं बने सर। 10 लाख करोड़ का कर्ज किसका राइट ऑफ हुआ, सवाल ये है सर, वो कौन से उद्योगपति है, सवाल ये है। ये उद्योगपति जो है ये कर्ज माफ
कोई नहीं भगा, मालिया जैसे इनकी सबकी संपत्ति, नीरव जैसे इनकी जब्त की जा रही है सरकार में। सर एक आकलन इसका भी निकाल सर, अगर आप आंकड़ों का जिक्र करते हैं तो एक आंकड़ा ये भी है, चलते चलते बता देता हूँ, एक आंकड़ा ये भी है कि गुजरात में 40 लाख बेरोजगारों की संख्या रजिस्टर्ड बेरोजगारों की, और 23,000 टीचर के पद खाली पड़े हुए वहां पर, ये गुजरात मॉडल का भी एक उदाहरण है। ओके सब भर दिए जाएंगे सर, कब? चुनाव में, अब तो चुनावी आचार संहिता है, वही बात तो पीयूष जी कह रहे थे। संहिता में नहीं भरे जाएंगे। हाँ ये जो पकड़ने का कारण लगा है, ये जो थोड़ा सा आपको लग रहा है मैनिफेस्टो को लेकर, सिर्फ इस चीज में आप मुझे जहाँ से घेरने की कोशिश कर रहे हैं, तीन विपक्ष के साथ एक साथ लोग बैठ रखे हैं और पीयूष जी भी उन्हीं के साथ जोड़ दिया आपने। सर बात विपक्ष की है ही नहीं, आप सर भगवान राम की कृपा से आप सत्ता में है तो सरकार सवाल सरकार से ही किए जाते हैं, आप सत्ता में हैं इसलिए मैंने, हाँ ठीक है सर, 27 साल से आप गुजरात में हैं और 40 लाख बेरोजगारों की संख्या है वहाँ। अरे तिलक जी जब आप जो है स्पीड से डिबेट चल रही है तो रिलीफ सबको चाहिए, थोड़ा सा तो कहीं ना कहीं हो, या तो आप पॉजिटिव हो, आप तो अकेले काफी है, विपक्ष की जरूरत ही नहीं पड़ती है अपनी डिबेट में, और आप एक जो है विश्लेषण के तौर पर भी एक व्यक्ति है। प्रमुख साहब आप क्या कहते हैं, आप क्या चाहते हैं कि मैं आप लोगों को सवाल, आप लोग मुझे लिख के दो और मैं आप लोगों से सवाल पूछूं? मैं आप ये अगर ये कह रहे हैं कि आप मुझे सवाल लिख के दें और मैं वो सवाल पूछूं, जवाब देना ही पड़ता है, जो बगैर जवाब दिए नहीं। प्रमुख साहब 17 साल में तो कोई मुझसे सवाल लिख के पढ़वा नहीं पाया, मैं नहीं पढ़वा रहा। हाँ तो ये आप अदरवाइज ना ले मेरी बात। नहीं मैं अदरवाइज नहीं ले रहा। खैर बहुत बहुत शुक्रिया, वक्त इजाजत नहीं दे रहा, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।